तो बड़े आराम से लेटे हुए थे चेयर इस वाली सीट पे पीछे करके रखी हुई है। अब आप आराम से लेटे हो। अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है। हाँ, और ये कंस्ट्रक्शन लाइक जो भी अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है थोड़े दिन बाद ये बंद हो जाएगी क्योंकि यहाँ स्नोफॉल होगा और स्नोफॉल यहाँ पे इतना ज़्यादा होता है कि आप लोग बिलीव नहीं करोगे। यहाँ पे लाइक पापा अभी बोल रहे थे एक घंटे में 7 फीट 6 से 7 फीट का स्नोफॉल होता है, तो सोचो अगर पूरी रात यहाँ पे बर्फ पड़ी तो वो कितने फीट होगा। ओ हाँ, ये एक यहाँ पे हट था बट ये अभी गिर गया है बर्फ की वजह से ही। अब सोचो 35 फीट स्नो इज लाइक आके रोड। अभी देखो यहाँ पे हमें बंजी जंपिंग खेलनी पड़ रही है, कभी हमें राइट कभी लेफ्ट कभी राइट कभी लेफ्ट लेना है। नहीं आगे है, आगे है। वो है यहाँ पे अभी वो आगे हाथ देखो वो सारे छुप जाते हैं। आगे देखिए क्या होता है। यहाँ मेरी पंजी जंपिंग हो रही है। बाप रे बाप यार, यहाँ जो मज़े है ना और कहीं नहीं है, तभी मैं यहाँ पे भाग के आया हूँ दिल्ली से। अब आप समझ रहे होंगे मैं यहाँ आया क्यों हूँ। It is so beautiful here, like away from everything, away from network, away from all the hustle of life. In jumps में तो मेरी कमर टूट गई। ये तो comfortable गाड़ी में खड़ा था तो उस गाड़ी में होता फिर तुझे। सोमो में तो कमर टेढ़ी बनी थी। फिर तुझे पता लगता आपको jump क्या है। लास्ट टाइम तो लगे थे ना झटके, वो सब हिल रहे थे, याद नहीं है? टाइट एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, कितने सो एक सोमो में थे हम सारे, कितने 12 लोग हम एक सोमो में चढ़े हुए थे। दिस इज द वैली ऑफ मर्गन। यहाँ पे पानी आपको हमेशा दिखेगा, बर्फ नहीं है बट यहाँ फिर भी पानी है इतना ऊपर आने के बाद। और वो पीक्स हैं वो बोलो यहीं पे जो है 30-35 फुट बर्फ होती है सर्दियों। हाँ, रोड यहाँ से जो निकलता है वो चाचा तो है, एक बार वो स्नोफॉल का दिया हुआ है ना, वो अगर मुझे बाइक मिला मैं डाल दूंगा। हाँ, नहीं वो वीडियो भी है चाचा के पास, उसमें कुछ नहीं आपको उसमें से निकाल के उसमें आपको कुछ नहीं, आपको ये सारा प्लान दिखेगा। हाँ उसमें ये सारा मैंने बोला था ना चाचा को मैं आऊंगा यहाँ पे, उन्होंने बोला था नेक्स्ट टाइम जब स्नो होगी तो आऊंगा। अभी कौन सा आएगा, इंशन आएगा और हम पहले इसमें जो पहला स्टॉप आएगा उसको नडबलन बोलते हैं, जहाँ हम रुकेंगे जहाँ हम खाना खाएंगे। ये सामने वाला नहीं नडबलन, ये तो बेसिक हट्स बने हुए हैं, ये बेसिक हट्स हैं, कभी कोई रुकने के लिए आप यहाँ भी रुक सकते हो लेकिन यहाँ आमतौर पर नहीं रुकते हैं। ये वही है कि आप गर्मियों में रुक सकते हो, सर्दियों में नहीं रुक सकते, सर्दियों में यहाँ उसी के लिए बना हुआ है। हाँ इतनी स्नोफॉल होती है, देखो कितनी सपोर्ट देनी पड़ती है हर एक चीज़ को यहाँ पे। इवन जो अभी जो ब्रिक्स, ये ब्रिक्स नहीं है स्टोन पे सब बने हुए हैं जो भी हट हैं, इवन ये भी टूटे हुए हैं यहाँ पे। आई थिंक यही होगा, ये चोरनाक का पानी ऊपर से नीचे आता है। It's time to have lunch. तो हमारा लंच आज हम यहाँ करने वाले। ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? आपका नाम? गुलाम मोहम्मद। तेरे पास है? ना ऐसे क्या मैं बात की? क्यों? वही वही मॉफ। सबसे पुराने यहाँ पे आप ही हो ना? पहला आप ही क्या था ना? मैं बचपन में आया हूँ, 8 साल पहले यहाँ आया हूँ, उस दिन वीडियो शीडियो नहीं बनाया था, आज बना रहे हैं हम।
दे कुक एवरीथिंग विद दीज वुड्स, सब कुछ लकड़ी पे ही बनता है। और आज हम खाना यहीं पे खा रहे हैं। अनिका क्या हुआ, तो खाना खा के सो जाओ बंजी जंपिंग के साथ। इतनी छलांगे होती है, बंजी जंपिंग के साथ सो जाओ। वनी जनाब बारिश हुआ वारिश आधे वचन हां हां काते रे कर प्यारा वारिश आधे वचन। हां अंदर आओ वे कौन लाग गया था वी ईट नाउ काहे थी हम दैट्स हाउ वी ईट व्हेन यू गो टू माउंटेन्स फॉर ट्रैकिंग एंड एवरीथिंग। देसी बता बस भाई बस एक चम्मच दे दो मेरे को, थोड़ा 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 थोड़ा, इतना नहीं तो खाएगी थोड़ा। तो आपका खाना हो चुका है सर, बज रहे खाना हो गया। वी हैड वेरी गुड फूड। बस अब अभी हम कुछ दिन ना सिर्फ फैट ही खाने वाले, मुझे ये लग रहा है। कोई नहीं, आप भी खाइए, वो सब निकल आएगी। जी आरनाथ। हां अभी हम नाड़बलन से नीचे उतर रहे हैं, अब हमारा अगला स्टेशन इंशन आएगा। तो नैरो रोड है लेकिन वो रोड साफ है। दिस इज द ब्यूटी है, नहीं काफ़ी है तो वही, लेकिन काफ़ी फर्क है। यानी अब आप जो अब हम जिस वैली में एंटर करेंगे वो बहुत ही खूबसूरत वैली है। दैट इज वर्ड वन वैली, मीन्स हम पहले इंशन पहुँचेंगे। वर्डवन वैली में तो आज हम रुकेंगे नहीं, लेकिन वापसी पे वर्डवन वैली को आपका हम पूरा बेवड़ा देंगे। बेवड़ा यस मीन बेवड़ा मीन्स तफसील डिस्क्रिप्शन। सो दिस इज वेयर वी आर गोइंग, इसको बोला जाता है वैली ऑफ वर्डवन। देयर आर मेनी विलेजेस देयर, तो अभी हम वहां पहुंचने के बाद हमें प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देंगे। नाम तो पापा को भी पता होंगे वैसे, कुछ नाम पता है कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, अभी तो हमें वैसे बहुत कवर करने हैं, अभी नीचे जाते हुए बहुत टाइम लगेगा। क्या है, सो अनिका इज गोइंग टू टेल यू अबाउट हम अभी कहाँ पहुँचे हैं, ये आपको पूरी सीनरी दिखाएगी और ये डिस्क्राइब भी करेगी हम कहाँ पहुँचे हैं, कितनी देर में पहुँचे हैं। दिखाओ अनिका। तो अभी हम इंशन पहुंचे, इधर हमें मरगन टॉप से लगभग एक घंटा लगा है पहुंचने में। जो है वो बहुत प्यारा है रोड, आप देख सकते हैं आगे दिखा, आगे ये देखिए, दिस इज द रोड। मुझे मसाज मिल रहा है, इधर वर्ल्ड वन में ना मतलब इंशन जाने के लिए पहले वो वाला ब्रिज है, ये लकड़ी का ब्रिज बना हुआ है पूरा और वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये वही जगह है जिस ब्रिज पे मेरी कज़िन ने रोया था, तो अब ये नया ब्रिज बना हुआ है। गाइस इट्स सो ब्यूटीफुल, so please do visit this place. क्या हुई सबकी हालत ऐसी है। सो गाइस हम अभी इंशन पहुंचे हैं, यहाँ पे ये जगह है वर्डवन में, फर्स्ट स्टॉप हमारा इंशन आता है अभी, बट हम अभी वर्डवन में रुकने नहीं वाले हैं। We are going to मड़वा all the way because अभी हम अपनी ट्रिप ही वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम जाएंगे मड़वा, उसके बाद हम आएंगे वापस, उसके बाद हम जाएंगे इंशन, इंशन से जाएंगे हम एक और गांव, वो है मरगी, वो बहुत सुंदर है। मिनी स्विट्ज़रलैंड वैसे इसी जगह को बोला जाता है जो अभी हमने आपको दिखाया है। ये ऑफ सीज़न देख रहे हो, ऑफ सीज़न में ऐसा है तो ऑन सीज़न सोचो कैसा होता है। अब यहाँ हर जगह कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो उसी वजह से थोड़ा यहाँ धूल बहुत ज़्यादा है हर जगह, बट
ये जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। बाय द वे यहाँ पे एक सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। सो आप लोगों को वो मेन प्रॉब्लम आएगा। आप जब इन एरियाज में होगे ना, आपको ऐसे ऐसे घर मिलेंगे, ये सब वुडन पे बने और मड पे बने हुए हैं। और हम वैसे ऐसे ही घर पे जा रहे हैं, ये बहुत पुराने घर हैं, इनको वुड की ऐसे पहले तो वुड लगता है, उसके बाद इसे मिट्टी की लिपाई होती है। अभी थोड़ी देर में आपको इंटीरियर दिखा रहा हूँ इसका। तो अभी हम उस घर में जा नहीं पाए क्योंकि वो यहाँ पे हैं वो लोग, वो अभी यहाँ पे नहीं है। तो अभी हम आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो सभी हमको जानते ही हैं, बिकॉज हमारे चाचा इस तरफ का सारा रोड उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया। तो मैं कह रहा था कि हम उस घर पे भी जा नहीं पाए अंदर इंटीरियर दिखाने के लिए। काफ़ी पुराने ज़माने के घर हैं, जहाँ पे पूरा वो लकड़ी का प्रॉपर तरीके से पुराने ज़माने में लोग रहते थे, तो वैसे ही घर अभी भी इन लोगों ने रखे हैं। चूल्हे पे खाना बनाना लकड़ी के ऊपर, ऑब्वियसली लकड़ी पे जो खाना बनता है डिलीशियस होता है। पहले लकड़ी डली है, लकड़ी के ऊपर लिपाई हुई है मिट्टी की, उसके बाद जाके वो घर बने हुए। तो मैक्सिमम घर यहाँ पे ऐसे ही बने हुए हैं। अभी जो नई कंस्ट्रक्शन है, नई कंस्ट्रक्शन ये हो रही है और ये पुरानी है। तो बहुत सारे घर यहाँ पे ऐसे हैं। हम आने के बाद ऐसा घर आपको दिखाएंगे जब हम यहाँ पे वापस आएंगे, क्योंकि हमें दो दिन के बाद वापस यहाँ पे फिर आना है और हम यहाँ पे एक दिन का स्टे कर रहे हैं उस दिन। तो विल शो यू अराउंड यहाँ पे क्या क्या है, बट अभी हम जा रहे हैं मड़वा। आई एम सुपर एक्साइटेड, आई एम टायर्ड बट आई एम सुपर एक्साइटेड, बिकॉज वो जगह मैं काफ़ी टाइम के बाद जा रहा हूँ और हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें प्लान करके रखी हैं। वो सब उसी तरह हों तो हमको भी अच्छा लगेगा। और ये रही यानी का ये चॉकलेट खाते हुए। आज से 6 साल पहले हम आए थे यहाँ पापा। हाँ 6-7 साल पहले, 6-7 साल पहले जब हम यहाँ पे आए थे, ये रोड यहाँ पे नहीं थे, ये अभी लाइक रिसेंटली ये बना है। तो हम लोग यहाँ से चलते हुए आते थे बाय फुट। रिसेंट वाले में हो सकता है, क्योंकि मैं उस दिन आया था जब सिर्फ वर्ल्ड वन तक वो वाला रोड था। उसके बाद आके तुम्हें 3-4 आवर्स का बाई फुट यहाँ से जाना होता था। वो ट्रैक काफी डिफरेंट था, आज काफी डिफरेंट है। आज हम गाड़ी पे जाके सीधा पूरा यहाँ वहाँ पे जा रहे हैं। I am in love with this place. मैं बड़ी बार आ चुका हूँ वैसे, तो मेरे को इस जगह का बहुत पहले से है। अच्छा बाय द वे, ये वो जगह है जहाँ पे हमेशा ग्लेशियर आता है। तो यू कैन सी वहाँ पे सब पेड़ टूटे हुए हैं, अभी किसी ने छोटा सा एक हट बनाया, बट सर आगे सर्दियाँ होंगी तो वो खुद ही टूट जाएगा। और रही बात पानी की, एज यू कैन सी इट्स सुपर क्लीन। और यहाँ के नेचर की कितना ही बोलें तो कम है। असल में मेरा बाहर आने का रीज़न ये है, यहाँ पे कीड़े भी बहुत ज़्यादा हैं, सो सीधे मुंह में चले जाएंगे। तो मेरा बाहर आने का रीज़न ये है कि यहाँ पे ना एक अभी ब्रिज आएगा, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ। अरे ब्यूटी देखो यार, ब्यूटी देखो, हाय हाय क्या बात है। और यहाँ के रोड देखो, ऐसे रोड तुमने कहीं भी नहीं देखे होंगे। आए हाय, ओ हाँ अभी पहले सबसे पहले छोटा ब्रिज आया, ये
यहाँ पे जो इसके बाद ब्रिज आएगा उसका नाम है पुराना कदल। अब इस ब्रिज का नाम मुझे पता नहीं है, इस ब्रिज का क्या नाम है। नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं हम लोग। एक पहले हम लोग ना यहाँ से बाई वॉक सब डिस्टेंस कवर करते थे, जो लाइक हमारे राइट साइड में जगह है ये वाली जगह, तो इसमें हम लोग पहले बाई वॉक चलते थे। यहाँ से जाते काफ़ी टाइम लगता था हमें मड़वा पहुँचने में, तो अभी तो रोड बन चुके हैं। पहले हमें आई थिंक 8 to 9 hours लगते थे जस्ट 30 kilometers को, क्योंकि आपके पास सामान बहुत होता है, आपको कैरी करके चलना होता है, बहुत टाइम लगता था। एंड यू हैव टू फॉलो द रिवर फॉर दैट, जो ये छोटा सा है रिवर, इसको फॉलो अप लेके हम लोग चलते थे ताकि हमें एक, वैसे लोगों ने यहाँ से बाई फुट के रोड भी बनाए हुए थे जहाँ से चलते चलते इंसान को इजीली पता चलता था कि यहाँ से बे है। मैं बार बार चुप हो रहा हूँ क्योंकि आई लव दिस प्लेस एंड आई एम वेटिंग फॉर द सेकेंड ब्रिज टू कम। झटके पे झटके लगे जा रहे हैं। सेकेंड ब्रिज पता नहीं कितना दूर है, आ क्यों नहीं रहा है। मैं तो बहुत टाइम पहले यहाँ पे आया हूँ, आगे कुछ गाड़ियाँ रुकी हैं शायद वहाँ से हो, क्योंकि अब ज़्यादा दूर तो है नहीं मड़वा, थोड़ा ही है डिस्टेंस अभी कवर करना है इनको। और सबसे ख़ास बात इसमें फिश भी है, तो हम लोग फिशिंग भी करने वाले हैं। मेरे पास अपना फिशिंग रॉड मैं कैरी कर रहा हूँ, बट मैं उसको इंस्टॉल करना भूल गया हूँ। सो वी हैव रीच्ड टू दिस प्लेस। यहाँ ये पहले एक ब्रिज हुआ करता था, इसको पुराना कदल ब्रिज कहा जाता था, बट ये टूट गया है, खुद ब खुद ही गिर गया है। यहाँ 3 ब्रिज हैं बाय द वे, मैंने आज खुद देखा। एक वुडन है ये भी टूट गया है, दूसरा स्टील है वो भी टूट गया, अब ये तीसरा बना है। ये हैवी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा ब्रिज है, और इस ब्रिज का नाम है पुराना कदल ब्रिज। स्टार्ट वहाँ से हुआ था, फिर यहाँ पहुँचा, अब यहाँ पहुँचा। क्या बोल रही है? सुबह 7 बजे निकले, फिर हमने 1-2 घंटे जाया भी किए। अच्छा, अब हम पहुंचने वाले हैं अपनी लोकेशन पे। Obviously after how many hours? हम सुबह 7 बजे निकले हैं तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, nearly 10 hours के बाद हम अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। डे 1 की फर्स्ट डेस्टिनेशन जो हमारी है वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। आज का डे हम यहीं पर रैपअप करेंगे, लाइक जो भी जहाँ पे भी हम स्टे कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके बाद मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद जाके हम डे 2 में सारे वीडियोस बनाने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद हमारा यहाँ पे काफ़ी प्लानिंग है जो हम करने वाले हैं। ओए, कौन सी बाइक है? R15। लोकेशन एंड वी आर होम। हम लोग अभी बस यहाँ पे स्टे करने वाले हैं। ये हमारे वन ऑफ द अंकल का घर है, तो आज का स्टे यहीं पे हुआ। एंड दिस इज हाउ दे कीप द कॉर्न्स फॉर द नेक्स्ट सीजन। इनको ड्राई करते हैं, देन इनके सीड्स जो निकलते हैं उन्हीं को दोबारा से प्लांट किया जाता है, लाइक बोया जाता है, उसके बाद दोबारा से ये बनते हैं। मज़े ले रहा है अपने, वो सवारी करने दो उसे। सो गाइस, फाइनली वी हैव रीच्ड आवर फर्स्ट लोकेशन, जहाँ हमारा स्टे है आज हमारे अंकल के घर पे।
बट सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है. सो वी आर गोइंग नियरली 3 or 4 kilometers अवे फ्रॉम हियर टू मेक कॉल्स. अभी हम जिस गांव में जा रहे हैं उस गांव का नाम क्या है? चेंजर. चेंजर. सो चेंजर में जाके सारे नेटवर्क आते हैं मड़गांव में आने के बाद. टेलर टावर है टेलर में. टेलर उससे भी आगे है. नहीं चाचा ने बोला था ना लास्ट टाइम कि वो डेंस फॉरेस्ट जो है वहाँ तक जाती है गाड़ी. उसके यहाँ टावर होने के बाद भी यहाँ पे इन लोगों ने नेटवर्क नहीं दिया है. ये बड़ा गलत किया है. और जिनको कॉल करनी है उनको वहाँ जाना पड़ता है. ये बाकी लोग कैसे काम कॉल करते हैं? अच्छा वहाँ लाइन लगी होती है नेटवर्क आने के लिए लाइन लगी होती है. अच्छा अपने जियो निकाला होगा. हाँ तो ले लिया होगा. तो अब ये फ्लड आया है क्या है? ये नाला ही होगा ना तभी तो. क्या ला आई थिंक चाचा ने मुझे बोला था यहाँ फ्लड आता है. यहाँ आता रहता है. ऐसे ही हुआ करते थे जब लास्ट टाइम. मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ. क्या बताना चाहती हो? ये भी एक एडवेंचर है कि लोग एक जंगल में सुनसान से जंगल में आके फोन कॉल कर रहे हैं. कितनी एडवेंचरस बात है. वो भी नदी के किनारे. यस. से कम 3 kilometers दूर आना है उसके बाद जाके वो होगा. कॉल होगा. कॉल होगा. नहीं पे आगे भी जाते हैं. आरफा जी का घर नीचे ही है ना अब. कहाँ जा रही है निकल? नेटवर्क नहीं आ रहा है. कहाँ खिड़की से बाहर जाके बात करेगी? इन सर्च ऑफ नेटवर्क. सिग्नल वीक आ रहा होगा. वो नदी के किनारे ही बात हो रही थी. रख दे फोन अब. चल भाई मेरा फोन कट गया. हाँ अच्छी बात है. चल भाई हाय गाइस. हम थके हुए हैं. हम मरे हुए हैं. हमारी हालत बहुत खराब है. अब हम खाना खाने वाले ट्रेडिशनल तरीके से. इसको हम क्या बोलते हैं? चीन. क्या बोलते हैं? चीन. और इसमें हम खाना खाएंगे. और ये यहाँ का चीन. ये यहाँ का ट्रेडिशन. ऐसे क्या बोलते हैं भैया? सीरियसली चीज छोटी होती है. तासा होता है. बट हमारे घर पे सब लोग ना जी होती है ये वाली. ये होती है चीज. मेरे हिसाब से वही था. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तासा. Yes. यहाँ क्या बोलते हैं इसको? तासा. मैंने अभी सुना था. अभी बोला हम बकास तासा. वो अक्षय हैरान हो गई. भैया कश्मीरी कर रहे हैं. पापा वो पूछ रहे हैं ये क्या है. पापा ये क्या है? कौन आया था पीछे से?